आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 49x80। जैसा कि अभी मैं देख रहे हैं, ये आपका पूरा आपका शॉप प्लान है। यहाँ पे पूरा रेंट के पर्पज से पूरा बना हुआ है। अब मैं आपको इसकी थ्रीडी पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो बढ़ते हैं थ्रीडी डिजाइनिंग की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट प्लान मिलता है आपको, देख सकते हैं 49x80 में फुल वेंटिलेशन के साथ यहाँ पे आपको प्लान मिलता है। तो सबसे पहले बात आती है ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 फिट का स्पेस छोड़ के रखा है वेंटिलेशन के लिए। इस साइड आपका 3 फिट का स्पेस दिया है और पीछे आपका 5 फिट का स्पेस दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फिट का स्पेस दिया है। उसके बाद इस साइड भी आपका 3 फिट का स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको चारों साइड से आपका वेंटिलेशन होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 फिट का आपका स्पेस दिया गया है पार्किंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 10 फिट का आपका पार्किंग के लिए स्पेस दिया है दुकान के सामने आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, देख सकते हैं। सीढ़ियों के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से 3 दुकानें दिख जाती हैं। यहाँ पे आपको 3 दुकानें मिल जाती हैं और साइड से आपको यहाँ पे कार पार्किंग के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं अपनी। ये 8 फिट की आपकी रैंप बनाई गई है, ये आपकी 8 फिट की रैंप है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 फिट का और स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपका टोटल 11 फिट स्पेस हो जाता है, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप 4-5 गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको 3 दुकानें दी हैं। तीनों दुकानों का साइज मैंने सेम दिया हुआ है, दुकानों का साइज मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दुकानें मिलती हैं। 23x10x9 इंच, 23x10x9 इंच की दुकानें हैं आपकी, देख सकते हैं। तीनों दुकानों का साइज मैंने सेम दिया है, 23x10x9 इंच, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है। ये जीना आपका 5 फिट का दिया गया है, ये जीना आप देख सकते हैं, जीना आपका 5 फिट का दिया है। कुछ इस तरीके से आपका जीना दिया गया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पैर रखने वाला आपका 10 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 6 इंच दी है। ये पैर रखने वाला आपका 10 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 6 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिफ्ट के लिए आपको स्पेस दिया है, यहाँ पे आप लिफ्ट भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं। 5.5x5.5 की आपकी लिफ्ट का एरिया है, 5.5x5.5 का ये लिफ्ट का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिख जाएगा, एक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एंट्री गेट मिल जाता है। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से 1 BHK मिल जाता है। यहाँ पे आप सबसे पहले आएंगे, यहाँ पे आपको बैठक मिल जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 16x10x9 इंच, 16x10x9 इंच का साइज दिया है बैठक का, देख सकते हैं 16x10x9 इंच। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाएगा, देख सकते हैं, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 11x11 रूम का साइज दिया है। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो इस साइड से उपलब्ध आई है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको इस साइड से उपलब्ध आई है और आपको यहाँ पे रूम में लैट्रिन बाथरूम अटैच दी है। यहाँ पे आपको रूम में लैट्रिन बाथरूम अटैच मिलती है, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 7x5, 7x5 की यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिलती है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक आपको यहाँ पे कॉमन आपको लैट्रिन बाथरूम मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगी जो कि आपके शॉप के पर्पज से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगी, कोई भी आ जा सकता है यहाँ पे, देख सकते हैं। इसका मैंने साइज दिया हुआ है 5x3.5, 5x3.5 की आपको बाथरूम मिल जाती है। यहाँ पे आपकी कॉमन बाथरूम मिल जाती है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक गेट दिखेगा, यहाँ पे आप स्लाइडिंग गेट लगा सकते हैं या फिर आप किसी तरीके से भाई इंटीग्रेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरा हॉल दिख जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे आपको पूरा हॉल मिल जाता है। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 23x42, 23x42 इसका साइज दिया है, 23x42। यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कुछ इस तरीके से आपको दो लैट्रिन बाथरूम मिलेंगी, जिसका मैंने वेंटिलेशन इस साइड से दिया है। यहाँ पे आप बैंक के पर्पज से ये आपके रेंट के लिए यूजफुल है, यहाँ पे आप किसी भी बैंक को रेंट पे दे सकते हैं, यहाँ पे आप कोचिंग सेंटर को दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप रेंट पे यहाँ पे आप बहुत आसानी से उठा सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको दो लैट्रिन बाथरूम मिलती हैं जिनका मैंने साइज दिया हुआ है 6x4, 6x4 की आपको दो यहाँ पे मिलती हैं लैट्रिन बाथरूम। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया के लिए आपको एरिया मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको इस साइड से मैंने वेंटिलेशन दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है 23x42 का, किसी भी कोचिंग सेंटर या बैंक को आप रेंट पे बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, फुल वेंटिलेशन इसका होता रहेगा। यहाँ पे पीछे में आने जाने के लिए आपको 3 फीट का गेट भी दिया गया है, यहाँ पे पीछे आ जा सकते हैं बहुत ही आसानी से आप, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राउंड फ्लोर में आपको 3 दुकानें मिलती हैं, यहाँ पे आपको 1 BHK मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरा हॉल एरिया मिलता है, देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है आप फर्स्ट फ्लोर की, यहाँ पे आप जीने से ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत ऊपर जाने के लिए जीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको तुरंत ऊपर जाने के लिए जीना मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट के लिए आपको स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे ग्लास का यूज किया है, विंडो आपकी लगी हुई है, काफ़ी अच्छा खासा वेंटिलेशन होता रहेगा। ये आपका 8 फिट का एरिया है, ये आपकी 8 फिट की गैलरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे स्लाइडिंग डोर मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरा हॉल एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आपको पूरा हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 22x24, 22x24 इसका साइज दिया है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से कोचिंग के पर्पज से ये आप रेंट पे उठा सकते हैं, देख सकते हैं। इसका वेंटिलेशन आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिलता है फुल, देख सकते हैं आप 22x24 का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक स्लाइडिंग डोर मिलेगा। उसके बाद इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से एक आपको हॉल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट से मैंने ग्लास का यूज किया है, फ्रंट साइड से देख सकते हैं ग्लास का यूज किया है। इसका मैंने साइज दिया हुआ है 42x23, 42x23 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट से भी आपका उजाला पहुंचता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो भी आपको उपलब्ध कराई गई है वेंटिलेशन के लिए, देख सकते हैं। जिम के पर्पज से या फिर आप कोचिंग के पर्पज से या किसी भी पर्पज से आप यहाँ पे रेंट पे उठा सकते हैं, देख सकते हैं 42x23 का एरिया आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन एरिया मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 2 एंट्री गेट मिलेंगे। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 BHK पूरा प्लान कंप्लीट मिलता है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपको बैठक मिल जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बैठक मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये 10x15 का आपका एरिया मिलता है, ये 10x15 का आपका एरिया है, यहाँ पे आपकी बैठक मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलेगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाएगा, देख सकते हैं, जिसका मैंने वेंटिलेशन इस साइड से आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 11x11.5, 11x11.5 इसका साइज दिया है रूम का, देख सकते हैं 11x11.5। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगी, देख सकते हैं ये आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड है, 6x3.5 की आपकी लैट्रिन बाथरूम मिलती है, जिसका मैंने वेंटिलेशन इस साइड से दिया है, छोटा सा रोशनदान दिया है, देख सकते हैं 6x3.5 की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एरिया मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको किचन दिख जाएगी, ये आपकी ओपन किचन बनी हुई है, ये आपकी ओपन किचन बनी हुई है। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 10x7, 10x7 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं 10x7, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक एंट्री गेट मिलेगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाएगा, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है
10 बाई 11 इस रूम का साइज दिया, वेंटिलेशन आपको इस साइड से उपलब्ध कराया है, देख सकते हैं 10 बाई 11। इसमें आपको लेटरिन बाथरूम अटैच मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं 6 बाई 3.5 की आपको यहाँ पे एक लेटरिन बाथरूम अटैच मिलेगी, जिसका मैंने वेंटिलेशन आपको इस साइड से दिया है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 BHK पूरा हाउस प्लान कंप्लीट मिलता है। उसके बाद इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले बैठक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बैठक मिल जाती है 10 बाई 15 की यहाँ पे आपको बैठक मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है, जिसका मैंने वेंटिलेशन आपको इस साइड से दिया है, देख सकते हैं आप। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10.5 बाई 9.5 इसका साइज दिया है रूम का, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको किचन मिल जाएगी, ओपन किचन मिल जाएगी आपको यहाँ पे, देख सकते हैं 5.5 बाई 8 में यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाएगी, जिसका मैंने वेंटिलेशन इस साइड से दिया है आपको, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है 3.5 बाई 6 की यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है, जिसका मैंने वेंटिलेशन छोटा सा यहाँ पे रोशनदान दिया है आपको, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको 1 BHK हाउस प्लान मिलता है, और इस साइड आपको 2 BHK मिलता है। यहाँ पे आपको जिम के पर्पज या कोचिंग के पर्पज से यहाँ पे आपको एरिया मिलता है अच्छा खासा, देख सकते हैं। फ्रंट में भी आपको अच्छा खासा एरिया मिलता है। तो इस तरीके से आपका पूरा रेंट के पर्पज से प्लान बना हुआ है। अब बात आती है हटिया की, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कंप्लीट हटिया बनी हुई है, देख सकते हैं। एलिवेशन मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, यहाँ पे ग्लास का यूज किया है, और इस साइड आपका फुल वेंटिलेशन दिया गया है, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो दे धन्यवाद।